नारायण साईं जी पानीपत के समाचार। गत 11 अप्रैल को पानीपत कोर्ट में निशांत शर्मा जी की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें पूरी बहस तक साईं जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहे। नारायण साईं जी की तरफ से अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी व उनके सहयोगी के रूप में श्री नीरज देशवाल जी पेश हुए। कोर्ट की कार्यवाही में पुलिस द्वारा पेश की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया पर बहस जारी है। इससे पहले वकील सुमित अग्रवाल की मौजूदगी में प्रथम चार्जशीट पर कोर्ट आरोप तय कर चुकी है। अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सरकारी वकील एवं महेंद्र चावला का प्रयास है कि पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो धारा लगाई है उस धारा के तहत कोर्ट आरोप तय कर दे, लेकिन धर्मेंद्र मिश्रा जी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बारीकी से खामियों को उजागर करते हुए न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी गई। नारायण साईं जी की तरफ से वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी की दलील यह है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आरोप तय की प्रक्रिया पर बहस से पहले बहुत सारी खामियां हैं, जो यह दर्शाती हैं कि साईं पर आरोप बनता ही नहीं है। मिश्रा जी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि पिछले 6 से 7 साल से यह कोर्ट में प्रक्रिया में रत है, लेकिन पिछली तारीखों पर केस फाइल का मुआयना करने से पता चला कि साईं जी के केस को देखने वाले पूर्व वकील साहब के पास केस फाइल के ना तो संपूर्ण पेपर थे और FIR में संलग्न 127 गुजराती पेजों की ट्रांसलेशन तक भी नहीं थी, जो कि पॉइंट आउट करने पर अब मिल पाई है। पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में खामियों पर सवाल उठाने के दौरान महेंद्र चावला के वकील ने जज साहब से कहा कि श्रीमान, आज चार्ज पर बहस होनी है, लेकिन धर्मेंद्र मिश्रा जी द्वारा पुराने विषय जो पिछले अधिवक्ताओं द्वारा बहस होने थे वह पहले ही हो चुके हैं, उन्हें पुनः ओपन कर तथा हर तारीख पर अन्य खामियां प्रस्तुत कर क्यों अदालत का समय जाया किया जा रहा है। जिस पर वकील श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया आगे चलती है, मेरे द्वारा पॉइंट आउट की गई 2 खामियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें पहली FIR की 127 गुजराती पेजों की ट्रांसलेशन व दूसरी केस फाइल की जरूरी कागजातों की कॉपियां। तीसरी खामी अभी बाकी है, चार्जशीट के जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे CCTV फुटेज, फोटो इत्यादि सहित IO द्वारा कोर्ट में मूल चार्जशीट व सप्लीमेंट्री चार्जशीट को अलग अलग पेश करना। धर्मेंद्र मिश्रा जी ने आगे प्रभावी तरीके से यह भी कहा कि बिना खामियों को पूरा किए चार्ज पर बहस करना मेरे क्लाइंट के साथ अन्याय होगा। मिश्रा जी की सारगर्भित बहस के मद्देनजर जज साहब ने अगली सुनवाई की तारीख 24 अप्रैल 2023 सुनिश्चित की है। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार। पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।